परिभाषा विशेषण। आज अपन देखेंगे, नमस्ते, बीए पार्ट सेकंड मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर सेकंड। इसमें आज देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की परिभाषा ये विषय क्षेत्र। देखिए कि बीए पार्ट सेकंड के अंदर ये सेकंड पेपर है और 75 अंक के प्रश्न पत्र इसमें आते हैं, जिसमें मानव भूगोल के संबंधित होते हैं। मानव भूगोल वो भूगोल है जिसमें मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप पृथ्वी की सतह पर किए गए या निर्मित किए गए क्रियाकलाप ही का अध्ययन ही मानव भूगोल है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, आज अपन इसको देखते हैं। मानव भूगोल के अर्थ को समझने के लिए पहले भूगोल शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है। भूगोल ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो के माने पृथ्वी, ग्राफी के माने विवरण होता है। इस तरह भूगोल के अंग्रेजी पर्याय का अर्थ हुआ पृथ्वी के संबंध में वितरण प्रस्तुत करना। भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा हॉर्सन महोदय ने अपनी पुस्तक प्रस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में दी। हॉर्सन के अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं को सही क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण तथा व्याख्यान को संबंधित है। इस तरह भूगोल न तो पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान है, न ही पूर्णतः सामाजिक विज्ञान है। ज्ञान में पारस्परिक संगठन में भूगोल विषय का समायोजन सदा से एक समस्या रही है। इस समस्या के निवारण हेतु भूगोल की दो शाखाएं मानी गई हैं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। इस विभाजन को एक और तो भौतिक भूगोल को भू आकृति विज्ञान तथा भूगर्भ विज्ञान से संबंधित करने में सुविधा हुई, व दूसरी ओर भूगोल की पार्थिव एकता को संकल्पना को धक्का लगा। इस वर्गीकरण की अधिक विवेचना यह प्रयोजन नहीं, किंतु यहाँ से भूगोल में मानव भूगोल जैसे विषय वस्तु की प्राण प्रतिष्ठा होती दृष्टियंत है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, दृष्टाय माने जो दृष्टि में दिखते हैं, प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तथा मानव भूगोल में पृथ्वी की सतह पर दृष्टाय उन तथ्यों से है जिन्हें उभरने में मनुष्य की भूमिका प्रमुख होती है। किंतु सन 1932 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता केमिन वेला ने मानव भूगोल को परिभाषित देते हुए लिखा, मानव भूगोल मानव समुदाय एवं पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंध का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इस परिभाषा पर फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी की छाप स्पष्ट है। एंथ्रोपोजियोग्राफी का अंग्रेजी प्राय मानव भूगोल होता है। मानव भूगोल का अर्थ विषय वस्तु स्पष्ट करने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है। वाइडल दी लाबलाश, जीन ब्रुंस, अल्बर्ट डिमाजिया तथा मैक्समिलियन सार नामक भूगोल के संस्थापक रहे कहे जा सकते हैं।
मानव भूगोल के संस्थापक कहे जा सकते हैं। मैक्सिमिलियन सार मानव भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं तथा उन्होंने भूगोल मनुष्य की क्रियाओं तथा प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर दृष्टि तथा जिनके उद्भव में मनुष्य की भूमिका प्रधान होती है, पृथ्वी की विशेष तत्व माने जाते हैं। ऐसे तथ्यों का अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मैक्सिमिलियन सार मोदे ने इस अर्थ को और स्पष्ट करते हुए यह भी लिखा कि हम मनुष्य का एक इकाई के रूप में अलग अध्ययन नहीं करते, बल्कि मानव भूगोल में हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। देश, नगर, गांव, समुदाय आदि सामूहिक प्रयासों से प्रतिकूल है, व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं। मानव भूगोल की परिभाषा देखिए, जितने भी भूगोलवेत्ता हैं इन्होंने मानव भूगोल की जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वो इस प्रकार से। जीन ब्रुंस के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं